जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने पसंदीदा चैनल स्टडी एंड अपडेट्स में। जय हिंद दोस्तों, मैं राजकमल आप सभी का स्वागत करता हूँ स्टडी एंड अपडेट्स में। और आज के इस वीडियो में हम लोग एसएससी जीडी कांस्टेबल के लिए प्रीवियस ईयर पेपर करने वाले हैं जो कि 2013 का है, ठीक है। और ये पेपर जो है वह हिंदी का है और यह पेपर आपको 25 जून 2013 को इवनिंग शिफ्ट में हुआ था। ये पेपर कहाँ कहाँ महत्वपूर्ण है, तो यह पेपर आपके CRPF, CISF, BSF, SSB, NIA, ITVP, SSF एवं असम राइफल के कांस्टेबल एवं ट्रेडमैन एग्जामिनेशन में महत्वपूर्ण है, ठीक है। इसमें आपके 25 प्रश्न देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो वो सारे प्रश्न मैं करूंगा और एक एक्स्ट्रा प्रश्न जो कि मैं ऐड करता हूँ प्रत्येक वीडियो में, वो प्रश्न मैं आपसे अराइज करूंगा, ठीक है। तो उस प्रश्न का उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन दबाना है और इस वीडियो को अपने दोस्तों के बीच शेयर करना है, ठीक है। बाकी कार्य मेरे पे छोड़ दीजिए, मैं आप लोग के लिए लगा हुआ हूँ, तत्पर हूँ, तो सभी चीजें धीरे धीरे आपको अवेलेबल करा दी जाएगी, ठीक है। और प्रीवियस चीजें आप देख सकते हो, 2018 और 2015 इन दोनों के वीडियोज आ चुके हैं, चारों के चारों पार्ट आ गए हैं। इसमें देखिए 2013 में भी तीसरा पार्ट आ गया है, चौथा पार्ट जो मैथ का है वह भी आपको जल्द ही आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। सर्वप्रथम यहाँ पर निर्देश दिया गया है कि प्रश्न संख्या 76 से लेकर 78 तक में दिए गए वाक्यों में कुछ में त्रुटि है और कुछ वाक्य ठीक है, तो जो त्रुटि वाले वाक्य हैं उनका हमें पहचान करना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर आपके 76 में चार वाक्य हैं, चार वाक्य में तो डी ऑप्शन तो हटा ही दीजिए फिलहाल, क्योंकि हमें क्या करना है, पहले गलती वाला ढूंढना है, जब नहीं मिलेगा तब जाकर डी टिक करेंगे। तो ए आपका दिया गया है, आसमान में काले बादल छाए हैं, यह बिल्कुल सही है, जब बारिश का समय होता है तो आसमान में काले बादल छाए रहते हैं, ठीक है। सेकंड आपको दिया गया है, मेघ पानी बरसते हैं, मेघ में, ठीक है, यहाँ पर यह होता मेघ में पानी बरसते हैं, तब जाकर यह वाक्य सही होता। तो अशुद्धि पकड़ में आ गई ना, यहाँ पर मे का प्रयोग नहीं किया गया है, तो ये आपका गलत हो गया और 76 का उत्तर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। एक आखिरी वाक्य है वो भी देख लीजिए, आखिरी वाक्य है कि पानी शीतलता प्रदान करता है, बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। चलिए आगे बढ़े, अब चलिए आगे बढ़ते हैं। 77 आपको दिया गया है, राधा और श्यामा जो है वह सहेली है, बिल्कुल सही वाक्य है। दूसरा आपको दिया गया है, वे परस्पर एक दूसरे से स्नेह करती हैं, ठीक है, क्योंकि ये क्या है, स्त्रीलिंग है, ओके। तो यहां पर क्रिया के साथ क्या होगा, स्त्रीलिंग शब्द का प्रयोग होगा ना, स्नेह करती हैं। गलती किसमें है, 77 के बी में, पहले ही पकड़ में आ गया, बी इसका उत्तर हो जाएगा, ठीक है। आखिरी पढ़ लीजिए, और साथ साथ विद्यालय जाती हैं, ये भी बिल्कुल सही है, ठीक है, आगे बढ़े। 78 दिया गया है, शिक्षा के क्षेत्र में, बिल्कुल सही वाक्य है, कोई त्रुटि नहीं। अनुशासन का विशेष महत्व है, बिल्कुल सही है। अगली पंक्ति है कि अनुशासित छात्र आदर्श विद्यार्थी के श्रेणी में आते हैं, कि यहां पर के हो जाएगा और यहां पर आते हैं हो जाएगा, ठीक है, तो इसमें त्रुटि था ना। चलिए 78 का सी उत्तर हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से आपका पहला जो निर्देश दिया गया था वह पूरा होता है। यहां पर आगे बढ़े, अब चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां पर दिया गया है कि रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है, यहां पर आपको एक वाक्य है और इस वाक्य में एक रिक्त स्थान है, इस रिक्त स्थान की पूर्ति हमें इन चार शब्दों में से किसी एक से करनी है। यहां पर दिया गया है, गांधी जी छुआछूत के डैश थे, तो गांधी जी जो थे वह छुआछूत के विरोधी थे, समर्थक थे नहीं ना, अनुवायी थे, पालन करते थे नहीं, पोषक भी नहीं करते थे, विरोधी थे, ठीक है। तो 79 का बी उत्तर हो जाएगा, ठीक है, अच्छा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 80 दिया गया है, जंगल में लगी आग डैश कहलाती है, मैंने कई बार आप लोगों को पढ़ाया हिंदी के वीडियो में, जंगल में लगी आग जो है वह दावा नल कहलाती है, ठीक है, दावा नल। तो 80 का बी उत्तर हो गया। अभी 2015 में एक क्वेश्चन था, समुद्र में लगी आग, समुद्र में लगी आग क्या कहलाती है, ये क्वेश्चन था, ठीक है। तो आप लोगों में से जो विद्यार्थी इस वीडियोस को देखे होंगे उनको पता होगा, तो जरा कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि समुद्र में लगी आग को क्या कहा जाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़े। 81 दिया गया है, आवश्यकता डैश की जननी है,
आवश्यकता आविष्कार की जननी है। ये क्या है? विचार है, ठीक है, थॉट। तो आवश्यकता जो है वह आविष्कार की जननी मानी गई है, ठीक है। तो 81 का बी उत्तर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़े। 82 दिया गया है, वर्षा अत्यधिक होने से बाढ़ आने की डैश है। देखिए, वर्षा अत्यधिक होगी तो मन में आशंका आती है कि यदि पानी ज्यादा हुआ तो हो सकता है नदी के पानी का जलस्तर बढ़ जाए। जलस्तर बढ़ेगा तो बांध टूट सकती है, बांध टूटेगी तो बाढ़ भी आ सकती है, ठीक है। तो आशंका बढ़ रही है ना, है ना, मन में आशंका होती है, ठीक है। तो 82 का सी उत्तर हो जाएगा, आशंका। देखिए, संभावना क्या है? संभावना मतलब जो चीज घटित होगा वो संभावना होता है, तो संभावना नहीं, ठीक है, इसको हम संभावना में नहीं रखेंगे, क्योंकि ये प्राकृतिक आपदा है और प्राकृतिक आपदा जो है वह आशंका के रूप में आता है, वो कभी भी हो सकता है, ठीक है। आगे बढ़े। चलिए अब देखिए, दिया गया है कि सही समानार्थक या पर्यायवाची शब्द का चयन करना है। यहां पर दिया गया है सुधा, ठीक है, तो सुधा का पर्यायवाची बताइए। सुधा का पर्यायवाची होता है अमेय, ठीक है, मैं लिख दू यहां पर, लिखता हूं अमेय, ठीक है। दूसरा आपका अमृत, तीसरा आपका सोम होता है, ठीक है। उसके बाद देखिए अमी होता है, ठीक है, पीयूष होता है, ठीक है, और इसको जीवनोदक भी कहा जाता है, जीव नोदक। ये सब पर्यायवाची होता है सुधा का, ठीक है। तो इसमें से ढूंढिए क्या दिया गया है, नीर, क्षीर, अमृत, सी वाला ऑप्शन दिया गया है, और जल। तो उत्तर क्या हो जाएगा, सुधा का पर्यायवाची अमृत होता है, ठीक है। तो 83 का उत्तर सी हो गया, ठीक है। आगे बढ़े। आगे बढ़ने से पहले मैं कहना चाहूंगा कि फ्री मॉक टेस्ट जो कि ऑनलाइन है, उसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं, आप जाकर टेस्ट दे सकते हो, ठीक है। उसमें आपको 100 क्वेश्चन देखने को मिलेगा, हिंदी वाले हिंदी में जाएंगे और इंग्लिश वाला जो चूज करेंगे वह इंग्लिश में, दो अलग अलग सेट रहेंगे। तो जो हिंदी करना चाहते हैं वो हिंदी वाले सिलेक्ट करें, जो इंग्लिश करना चाहते हैं वो इंग्लिश वाले सिलेक्ट करें, और पीडीएफ्स वगैरह सबका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और कोई भी जानकारी आपको हासिल करनी है तो आप हमें व्हाट्सएप या फिर टेलीग्राम इस पे मैसेज कर सकते हैं। टेलीग्राम नंबर है 7979946092। ज्यादातर आप लोग टेलीग्राम का प्रयोग करें, पीडीएफ वगैरह जो भी आपको खरीदनी हो आप वहां पर खरीद सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़े। अब देखिए आपका अगला प्रश्न, बसंत दिया गया है, तो बसंत का पर्यायवाची बताना है, बताइए। तो बसंत का पर्यायवाची एक तो आपका माघ हो जाता है, ठीक है, दूसरा आपका ऋतुराज हो जाता है, जो शायद ऑप्शन में है भी, और एक और होता है मधुमास। ये तीन पर्यायवाची होते हैं बसंत के, जिसमें कि आपका एक दिया गया है बी ऑप्शन में, देखिए ऋतुराज, ठीक है। तो उत्तर क्या हो गया, 84 का उत्तर बी हो जाएगा, ठीक है। अगला आपको दिया गया हवा, पता है ना आप सबको हवा का पर्यायवाची क्या होता है, बताइए जल्दी से। हवा का पर्यायवाची जो होता है, इसके बहुत सारे पर्यायवाची हैं, यदि लिखना चाहते हैं तो चलिए लिखते हैं। एक तो आपका पहला समीर होता है, ठीक है, समीर। दूसरा आपका वात होता है, ठीक है। तीसरा आपका मारुत होता है, ठीक है। चौथा आपका अनिल होता है। पांचवा आपका पवमान होता है, ठीक है। छठा चलिए प्रभंजन होता है, ठीक है। सातवां चलिए प्रवात होता है। बहुत सारे हैं, लिखते चलिए, ठीक है। उसके बाद एक पवन हो जाता है, उसके बाद एक वायु हो जाता है, ठीक है, और उसके बाद बयार कहा जाता है एक, ठीक है, वो हो गया। तो इस प्रकार से ये सारे हवा के पर्यायवाची हैं। अब आपको ढूंढना है इसमें से क्या दिया गया है, खमीर नहीं होगा, चमन नहीं होगा, बगीचा नहीं होगा, समीर हो जाएगा, है ना। तो 85 का डी उत्तर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़े। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब निर्देश दिया जा रहा है कि विलोम शब्द का चयन करना है। यहां पर आपको एक शब्द दिया गया है, इस शब्द का विलोम इन चार में से कोई एक है वो हमें बताना है।
यहां पर दिया गया है उपस्थित। उपस्थित मतलब क्या होता है, जो लोग वर्तमान में होते हैं उसको उपस्थित कहा जाता है और जो नहीं होते हैं उनको अनुपस्थित कहा जाता है। तो यहां पर उपस्थित का विलोम क्या हो जाएगा, अनुपस्थित ना, कहां दिया गया है, सी में, तो 86 का सी उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। 87 दिया गया है सरल। सरल मतलब आसान होता है, ये इसका मतलब दिया गया है। ठीक है, इसका विपरीत ढूंढना है। सरल का विपरीत क्या हो जाएगा, कठिन। जो काम आसान ना हो उसको कठिन कहा जाता है। ठीक है, तो सरल का कठिन हो जाएगा। ठीक है, और आगे देखिए यहां पर दिया गया है दुर्गम। तो जहां पहुंचना जो है वह मुश्किल होता है वह कहा जाता है दुर्गम। तो ये तो नहीं हुआ ना, ये गलत हो गया। नेक्स्ट दिया गया है सुलभ, जो आसान हो सुलभ कहलाता है। तो ये तो समानार्थी हो गया। तो विपरीतार्थक 87 का सिर्फ बी ही होगा। ठीक है, अब चलिए अगला प्रश्न देखिए। 88 दिया गया है दुर्गम का विलोम। तो दुर्गम का मतलब क्या होता है, जहां पहुंचना संभव ना हो। ठीक है, या फिर जहां पहुंचना कठिन हो। मैं लिख दूं, जहां पहुंचना कठिन हो वह कहलाता है दुर्गम। तो जहां पहुंचना आसान हो वह क्या कहलाएगा, सुगम ना। ढूंढिए सुगम कहां दिया गया है, 88 के बी में दिया गया है। तो 88 का बी उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़े। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। कहा जा रहा है कि शुद्ध वाक्य का चयन करना है। चार वाक्यों में एक वाक्य शुद्ध है, उस शुद्ध वाक्य का चयन करना है। यहां पर दिया गया है कि मैंने इन फूलों से एक माला बनाया। फूलों का प्रयोग करना है, तो फूलों से ये तो बिल्कुल सही है। माला बनाया था, माला बनाया नहीं होगा, क्योंकि माला क्या है, यह एक स्त्रीलिंग शब्द है। ठीक है, तो माला बनाई, ठीक है, तो माला बनाई वाला आपका दो है। ठीक है, और फूलों से माला बन रहा है, एक चीज ये गौर कीजिएगा, मैंने इन फूलों से माला बनाई। तो यहां फूलों का माला, ठीक है, फूलों से माला, इस शब्द का प्रयोग करें, मैंने इन फूलों से एक माला बनाई। ठीक है, तो उत्तर क्या हो जाएगा, 89 का बी उत्तर हो जाएगा। फूल क्या है, पुल्लिंग है, माला क्या है, स्त्रीलिंग है। ठीक है, मैंने एक विशेष वीडियो दे रखी है, आप लोग ये देखना चाहेंगे कि वाक्य की शुद्धिकरण कैसे पकड़ते हैं। ये सब आपको CISF हेड कांस्टेबल के लिए या फिर CISF कांस्टेबल के लिए वीडियो बनाई गई थी। स्पेशल स्पेशल चैप्टर वाइज वीडियोज हैं, शायद 14 या 15 चैप्टर के, आप वहां पर सीख सकते हैं। या फिर जैसे ही प्रीवियस ईयर खत्म होगा फिर मैं GD के लिए पार्टिकुलर वीडियोस बनाकर दूंगा, तो उसमें आपको समझाया जाएगा। फिलहाल यहाँ पर सेट्स लग रहे हैं, तो सेट्स में समझाना उतना मुश्किल होता है क्योंकि बहुत सारे रूल हैं, उन सभी रूल को फॉलो करना पड़ता है। कारक को फॉलो करना पड़ता है, स्त्रीलिंग पुल्लिंग को फॉलो करना पड़ता है। ठीक है, तो वो चीजें वहां पर समझाई गई है। ओके, फिलहाल यहाँ पर समझ लीजिए कि यहाँ पर फूलों से एक माला बनाई। बनाई क्यों, क्योंकि माला स्त्रीलिंग है। ठीक है, समझ गए। चलिए यहाँ पर आपका बी उत्तर हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। 90 दिया गया है, वे विद्यार्थी कहाँ खेलता है। देखिए सेंटेंस में ही गलती आ रही है, वो विद्यार्थी कहाँ खेल रहे हैं, तो यह सही होगा। ठीक है, वे विद्यार्थी कहाँ खेल रहे हैं, ये भी बी में दिया गया है। आज लगता है बी का दिन है, सभी कुछ बी में मिल रहे हैं, तो यहां पर क्या हो जाएगा, बी उत्तर हो जाएगा। ठीक है, वे विद्यार्थी कहाँ खेल रहे हैं, यह एक शुद्ध वाक्य है। ठीक है, अब चलिए आगे बढ़ते हैं। 91 दिया गया है, वे मेरे पूज्य हैं। पहला ही सही है। पूज्य का मतलब क्या होता है, पूजनीय, ठीक है, आदर करने योग्य। ठीक है, तो हम लोग सीधे कह सकते हैं वो मेरे पूज्य हैं। ठीक है, तो 91 का ए उत्तर हो जाएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, और अब आपको मुहावरे का सही अर्थ बताना है। यहां पर दिया गया है ईद का चांद होना। किसको कहते हैं, जो बहुत दिनों बाद दिखाई देता है उसको बोलते हैं तुम तो ईद के चांद हो गए। जैसे आपका मित्र, आपका प्रिय मित्र है, वो आपसे एक महीने नहीं मिला, आप क्या बोलते हैं उसको, अरे तुम तो ईद के चांद हो गए, मतलब तुम आजकल दिखाई नहीं देते, है ना। तो ढूंढिए ना बहुत दिनों बाद दिखाई देना, जो कि आपके 92 के ए में दिया गया है, और यह ईद के चांद होना मुहावरे का सही अर्थ बतलाता है। ठीक है, तो 92 का ए उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़े। 93 दिया गया है, मुंह की खाना। मुंह की खाना का मतलब क्या होगा, जैसे आप कोई कार्य करने गए और उस कार्य में पराजित हो जाते हैं, तो उसे कहा जाता है मुंह की खाना। ठीक है, देखिए पराजित हो जाना, जो कि आपके बी में दिया गया है। ठीक
ठीक है, तो 93rd का बी उत्तर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़े। 94 दिया गया है, श्री गणेश करना। किसी भी कार्य का प्रारंभ जो है वह श्री गणेश कहलाता है, ठीक है। कार्य की शुरुआत करना, प्रारंभ करना, यह कहलाया श्री गणेश करना, जो कि आपके 94 के ए में ही दे दिया गया, कार्य का प्रारंभ करना, ठीक है। तो ए इसका उत्तर हो गया। ओके, अब चलिए आगे बढ़ते हैं। और कहा जा रहा है कि वाक्यांश के लिए एक शब्द का चयन करना है। यहां पर वाक्यांश दिया गया है, जिसने गुरु से दीक्षा ली हो। दीक्षा कौन लेता है बताइए? पहले भी तो विद्यार्थी जाते थे, गुरु के पास रहते थे, उनसे दीक्षा लेते थे। गुरु से दीक्षा कौन लेता है? गुरु से विद्यार्थी दीक्षा लेते हैं, शिक्षा ग्रहण जो है वह विद्यार्थी करते हैं। ढूंढिए विद्यार्थी, आपके ए में दिया गया है, ठीक है, विद्यार्थी, ठीक। तो 95 का ए उत्तर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़े। 96 दिया गया है, 15 दिन में छपने वाली पत्रिका को क्या कहा जाता है? देखिए यहां पर चार प्रकार की पत्रिकाएं दी गई है। मासिक कौन होता है? जो 30 दिन में छपता है। वार्षिक, जो साल भर में छपता है। साप्ताहिक, जो एक सप्ताह 7 दिन में छपता है, ठीक है। और पाक्षिक, जो 15 दिन में छपता है, ठीक है। तो उत्तर क्या हो जाएगा? 96 का डी हो जाएगा, पाक्षिक, ठीक है। आगे बढ़े। अब देखिए 97 दिया गया है, सिर से पैर तक। तो सिर से पैर तक को बोला जाता है औपाद मस्तक, ठीक है। ढूंढिए चरण स्पर्श शीर्षासन औपाद मस्तक, सी में दिया गया है ना, तो 97 का सी उत्तर हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है तो एक अच्छा सा कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के बीच से शेयर कीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग लास्ट पे आ चुके हैं और लास्ट के कुछ क्वेश्चंस हैं, उनको कर लेते हैं। अब देखिए दिया गया है, शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन करना है। यहां पर आपको दिया गया है, देखिए पढ़ते ही आप समझ जाओगे क्या दिया गया है। श्रृंगार, बताइए कौन सा सही श्रृंगार है? श्रृंगार किस प्रकार लिखा जाता है? श्री गार, ठीक है। जोड़िए सी में दिया गया है, तो 98 का उत्तर सी हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़े। 99 दिया गया है, उत्कर्ष। ये मेरे दोस्त का भी नाम है। और उत्कर्ष बताइए कौन सा सही है इसमें से? उ तो को संयुक्त मूर्धन्य ष उपररीफ, ठीक है, यह सही वाला है उत्कर्ष। तो 99 का सी उत्तर हो गया, ठीक है। आगे बढ़े। अब देखिए 100, विद्यार्थी। ये तो मैंने अभी लिखा था, विद्यार्थी कहाँ दिया गया है बताइए जल्दी से, देखकर भी बता दीजिए ना आप लोग। ए में दिया गया है, तो 100 का ए हो जाएगा। इस प्रकार से 2013 के जी के रीजनिंग और हिंदी खत्म होते हैं। नेक्स्ट बारी मैथ की वीडियो की है, वह भी आपको एक दो दिन में चली जाएगी, ठीक है। और 2018 के एक सेट, 2015 के एक सेट और 2013 के भी एक सेट इस प्रकार से पूरे हो जाएंगे, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। और अब बारी है आज के प्रश्न की, और ये प्रश्न आपको ऑलरेडी कराया जा चुका है, ठीक है, और यह आपके 2013 के ही रीजनिंग सेट से लिया गया है। जल्दी से बताइए इस श्रृंखला का अगला पद क्या होगा, ये आपको बताना है। ये मैंने बता रखी है, नहीं देखे हैं वीडियो देखिए, वहां से सीखिए, लेकिन बताइए कमेंट बॉक्स में, इसका उत्तर मुझे चाहिए, ठीक है। इसका उत्तर क्या होगा ये आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।